अबे बोर्ड तो ठीक है, हैंडल कहाँ गया? अरे यार ये तो गेट में ताला लगा है। क्या कि नहीं करना, क्या भी यहाँ पे स्पीड बोट्स हैं। तो हिमांशु के सुपरस्टार कपिला को हमने अपने ब्लॉग में ले लिया आज। क्या खा रहा है भाई ये? और हम आ गए हैं गुलरबोज। देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, होटल्स खुल गए हैं। हम यहाँ से ऊपर जाना है। अरे यार ये तो गेट में ताला लगा है। चलो कोई बात नहीं, साइड से चलते हैं। कैक्स भी यहाँ पे स्पीड बोट्स हैं और लाइफ जैकेट्स रखी हुई हैं प्रॉपर। और ये यहाँ पे यहाँ टिकट काउंटर है, टिकट्स लेते हैं झंडों के बीच से जाते हुए। तो यहाँ जेट्स की भी है बट ये मेंटेनेंस में है, अभी सर्विस नहीं हुई इसकी, तो हमें स्पीड बोट ही पकड़नी पड़ेगी। तो हमने पहन लिया जैकेट और हम जा रहे हैं बोट नंबर 2 में, जो कि फास्टेस्ट बोट है ये वाली। वाह क्या मस्त मौसम है। तो मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे, और जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तब भी ऐसी मौसम था, आज भी ऐसी मौसम है, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है कोने जगहों के। अबे बोट तो ठीक है, हैंडल कहाँ गया? हैंडल नहीं है इस पे, हैंडल गायब। तो हम आए हैं कपिला, हिमानी एंड पूजा, और हमारा हैंडल पीछे आगे नहीं। हैंडल के बिना ये क्या समंदर है? सीरियसली? हाँ और क्या, यहाँ से सीधा ये इंडियन ओशन आ गया हमारा, और ये पैसिफिक स्पोकिंग कह रहा हूँ। ज़्यादा स्पीड में है, तो वहाँ देखो आप देख सकते हो वहाँ फिशिंग हो रही है। ओ, ओ, दस मिनट का तो पता नहीं चला, कब हुए 10 मिनट, मजा आ गया लेकिन मजा आ गया।
तो भैया हम आ गए वापस, जिंदा जिंदा वापस आ गए। मजा आ गया भाई, वो ऐसे ऐसे बोट जा रही थी, ये मजा आ गया। आज वेदर भी इतना मस्त हो रहा था ना, एकदम चिल्ड हवा चल रही थी और बड़े जेट स्की में सुपर हाई स्पीड बोट में गए हम और मजा आ गया। सन भी नहीं दिख रहा आज मौसम में। यहाँ से नीचे चलते हैं, देखो यहाँ से चले नीचे, एक बार चले डुबकी मारने। यहाँ पे एक होटल भी खुल चुका है, लास्ट में कुछ भी था यहाँ पे। तो ये रेस्टोरेंट की अपनी पार्किंग भी थी यार, हमें तो पता ही नहीं था, हमने बाहर लगा दी, बट हमें यहाँ लगानी चाहिए थी बिल्कुल बगल में। तो आप आओगे तो गाड़ी ही लगाना, क्योंकि यहाँ बढ़िया पार्किंग है एकदम मस्त, और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, और यहाँ पे ये बैराज है, तो अब इसमें मछली होती होगी तो हम आएंगे मछली फिश पकड़ के लाओगे, फिर बनाओगे। तो यहाँ पहले मछली पकड़ेंगे, उसके बाद फिश पकौड़ा बनेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश मछली मिलती है, पकड़ के लाते हैं फिर बनाते हैं, ऐसे नहीं मिलती है। तो आपने देखा ही होगा हमारी बोटिंग में कि फिश पकड़ रहे थे। तो यहाँ पे ये रेस्टोरेंट बन चुका है, बहुत बढ़िया था। तब तक कुछ खाते हैं, भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। ओके, अरे गुलर बोझ का पानी लीक हो गया भाई। तो यहाँ पे देखो पानी की टंकी बना रखी है जंगलों के बीच में मस्त करके, और उसमें रॉक क्लाइंबिंग का भी बना रखा है, यहाँ देख सकते हो आप, बढ़िया एकदम। तो ये कॉटेजेस हैं यहाँ पे, तो हम अंदर से देखते हैं कैसा है। तो ये तो लाइट ही नहीं है यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये बेड है, स्विमिंग पूल पड़ा खाली, गुलर बोझ का पानी सूख गया है। ये क्या भाई, जकूजी? तो फाइनली एक घंटे बाद हमारे फिश पकौड़े आए हैं, फ्रेश मछली निकाल के, और हमारी हालत खराब हो गई बैठे बैठे यहाँ पे, बहुत टाइम लगा दिया उन्होंने ऑर्डर लाने में, जो भी है निकलने का भी टाइम हो गया, खाते निकलते हैं। भाई मटन खाएगा कोई? तो हमने ले लिया दूसरा रास्ता लंबा वाला, क्योंकि रोड थोड़ा सही है, और यहाँ से हमें सीधा जाना है पंप से राइट लेना। इसको बोली थी ना फिर तेरे साथ, तो अभी हमारे गाड़ी के सामने बाघ आ गया था, और वो इतनी तेज निकला कि हम गाड़ी रोक के उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाए, तो फिर गोली हो गया वो।